नमस्कार, मैं प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, बिहार में विधानसभा के 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और बीजेपी ने पहले अपने कैंडिडेट के नामों की घोषणा की। मोकामा से भारतीय जनता पार्टी सोनम देवी को चुनावी मैदान में उतारी है, तो गोपालगंज से कुसुम देवी को। देखिए, कुसुम देवी सुभाष सिंह की पत्नी है। सुभाष सिंह, जिनका निधन हो गया, गोपालगंज के विधायक थे, बिहार सरकार के मंत्री भी थे और उनके निधन के बाद ही ये उपचुनाव हो रहा है गोपालगंज में। लिहाजा सुभाष सिंह के पत्नी कुसुम देवी को भाजपा ने फिर से चुनावी मैदान में उतारा है और यहां से आरजेडी ने, गोपालगंज से आरजेडी ने मोहन प्रसाद गुप्ता को उतारा है। तो सोनम देवी के खिलाफ चुनावी मैदान में अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को। देखिए, अनंत सिंह की विधायकी जाने के बाद मोकामा में उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन आज बात करने जा रहे हैं मोहन प्रसाद गुप्ता की। देखिए, नीलम देवी को तो सब जानते हैं, बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी है और 2019 में मुंगेर से लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुकी है। जेडीयू के ललन सिंह के खिलाफ मैदान में उतरी थी और कुछ ही वोटों से उनकी हार हो गई थी। अनंत सिंह जो राजनीति में जब से आए हैं जीतते रहे हैं। अनंत सिंह की पत्नी इस बार चुनाव लड़ रही है, तो जाहिर तौर पर समझ सकते हैं कि मोकामा में माहौल और बना है, लेकिन गोपालगंज में तो तेजस्वी यादव ने दिखाया है कि आरजेडी ए टू जेड की पार्टी है। देखिए, आरजेडी का मतलब MY समीकरण, लालू यादव के आरजेडी का मतलब। अब आरजेडी तेजस्वी यादव वाली हो गई। तेजस्वी यादव के आरजेडी का मतलब A to Z। गोपालगंज अगर चुनाव जीतना है तो तेजस्वी यादव समझ रहे थे कि MY समीकरण नहीं, यहां पर हमें लगाना होगा A to Z समीकरण। वैश्य वोटर, देखिए, वैश्य वोटर जो भाजपा के कोर वोटर कहे जाते हैं, कहा जाता है कि बिहार के बनिया समाज के लोग वो भाजपा के परम वोटर है, भाजपा उनके बल पर कुछ भी कर सकती है, लेकिन तेजस्वी यादव ने यहां से अब वैसे कैंडिडेट उतार दिया। सुभाष सिंह भी लगातार जीतते रहे हैं, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है, तो जाहिर तौर पर सिंपैथी वोट भी होता है, लेकिन मैदान में अगर पछाड़ना है तो तेजस्वी यादव ने पूरा फॉर्मूला तैयार किया, लालू यादव के साथ बैठकर रणनीति बनाई, जातीय समीकरण को भेदने की कोशिश की और यहां से वैश्य समाज के कैंडिडेट मोहन प्रसाद गुप्ता को मैदान में उतार दिया। देखिए, कौन है मोहन प्रसाद गुप्ता, लोग जानना चाहते हैं, बिहार के लोग, ये मोहन प्रसाद गुप्ता है कौन, नाम तो कभी सुना नहीं, क्या नए नए आए हैं। लेकिन देखिए, आप जान लीजिए, मोहन गुप्ता आरजेडी के बहुत पुराने सिपाही हैं, लालू यादव और तेजस्वी यादव के खास कहे जाते हैं और JP आंदोलन के वक्त जो छात्र आंदोलन शुरू हुआ वो छात्र आंदोलन में भी शामिल हुए और छात्र आंदोलन से उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की। तो आप समझ सकते हैं कि लालू यादव को कब से जानते हैं, नीतीश कुमार को कब से समझते हैं, और गोपालगंज में अगर वैश्य समाज के कैंडिडेट को उतारना है तो तेजस्वी यादव भी जान रहे थे कि मोहन गुप्ता ही बेहतर है, लिहाजा मोहन गुप्ता को टिकट मिल गया। देखिए, बाई इलेक्शन की घोषणा जब हुई उससे पहले से ही दावेदारी तो जैसे मोकामा से अनंत सिंह की पत्नी कर रही थी, तो गोपालगंज से आरजेडी की ओर से मोहन गुप्ता कर रहे थे, उनका जनसंपर्क अभियान भी चल रहा था, वो लोगों के बीच भी जा रहे थे, वोटरों को बता भी रहे थे कि तेजस्वी यादव कैसे बिहार में युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, कैसे महागठबंधन की सरकार विकास करने जा रही है। लेकिन बिहार के लोग, जो लोग आरजेडी कैंडिडेट को बाई इलेक्शन में सीधे पहचान जाते हैं, वो जानना चाहते थे कि मोहन गुप्ता कौन है। देखिए, मोहन गुप्ता गोपालगंज स्टेशन के रोड के निवासी हैं और बड़े कारोबारी हैं, इनका वहां पर दुकान है और मोहन गुप्ता के बारे में लोग कहते हैं कि तेजस्वी यादव और लालू यादव के ये बेहद ही खास हैं। इनका वहां दुकान है जो कि बड़े स्तर का दुकान है और कहा जाता है कि ज्वेलर्स है, यानी कि ज्वेलरी का दुकान है, और उन्होंने जब 1973 से राजनीति में, छात्र राजनीति से अपने करियर की शुरुआत की, तब से वो लालू यादव को अपना नेता मानते आए हैं। उपचुनाव में आरजेडी ने कैंडिडेट बनाया है और खास तौर पर
मोहन गुप्ता के बारे में कहा जाता है कि अल्पसंख्यक और यादव पर इनकी खास पकड़ है, और यही वजह है कि पार्टी ने देखा कि हमें हमारे पास अल्पसंख्यक आ जाएंगे, यादव आ ही जाएंगे, तो भैया लाना किसको है, वैसे समाज के वोटरों को लाना है, उन्हें विश्वास जताना है, तो उन्हें ला रहे हैं। और वैश्य समाज में इनका खास पकड़ है, वैश्य महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, गोपालगंज शहर के राजा दल पूजा समिति के अध्यक्ष हैं। तो जाहिर तौर पर आप समझ सकते हैं कि मोहन गुप्ता का नाम गोपालगंज में नया नहीं है। गोपालगंज से जो चुनाव लड़ रहे हैं मोहन गुप्ता, वो आरजेडी के धुरंधर सिपाही हैं, और इस बार रन में पछाड़ना है कुसुम देवी को, तो A to Z समीकरण लेकर चलना होगा, मोहन गुप्ता को कैंडिडेट बनाकर उतारना होगा। तेजस्वी यादव इस बात को समझ गए थे और पहले ही कह दिया था कि जाइए तैयारी कीजिए, अब 13 अक्टूबर को नामांकन है। गोपालगंज में मुकाबला बेहद दिलचस्प है, आगे बात करेंगे अगले वीडियो में गोपालगंज के चुनावी रण की बात। फिलहाल अपटूडेट बिहार न्यूज के साथ बने रहें, धन्यवाद।